तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। पंजाब के सियासी खले में नून लीग की मजबूत दीवार टूट गई। नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खबरें दुरुस्त साबित। स्पीकर पंजाब असेंबली के इंतखाब में 12 मत वाले कप्तान की टीम के हामी निकले। चौधरी परवेज इलाही अपने टारगेट से भी जायद वोट ले उड़े। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के वोटों की तादाद 186 थी, जबकि नून लीग को 162 में से 147 वोट मिले। उम्मीदवारों ने जो वोट हासिल किए, चौधरी परवेज इलाही रुकन सूबाई असम्बली पीपी 30 ने 201 वोट लगाए। पंजाब में नून लीग पहले इम्तिहान में नाकाम, कप्तान के लिए मैदान साफ। स्पीकर और डेप्टी स्पीकर की सीटें अपने नाम कर लीं। चौधरी परवेज इलाही 201 वोट लेकर पंजाब असेंबली के स्पीकर मुंतखब। नून लीग के इकबाल गुज्जर सिर्फ 147 वोट लेकर शिकस्त से दोचार। पीटीआई के दोस्त मजारी 187 वोट लेकर डेप्टी स्पीकर बन गए। नून लीग के वारस कल्लू 159 वोट ले सके। हमारे लोग किधर गए ढूंढो, लीगी कयादत को टेंशन पड़ गई। हमजा शहबाज का इंक्वायरी का हुक्म, ख्वाजा साद रफीक को बागी अरकान को ढूंढने कमीशन सौंप दिया। इलेक्शन में मुबैना धांधली पर नून लीग का वाइट पेपर शाया करने का ऐलान। हमजा शहबाज कहते हैं स्पीकर के इलेक्शन में हमारे वोटों पर डाका डाला गया। नून लीग के कारकुनान को जहाज पर बनी गाला की यात्रा करवाई गई। अगर हॉर्स ट्रेडिंग ना रुकी तो असेंबली को नहीं चलने देंगे, अपना मुकदमा जमहूरी अंदाज में लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी के दो जयाले बागी निकले। पंजाब असेंबली में पीपी के साथ में से दो अरकान ने कयादत से बगावत की। पीपीपी पार्लियामेंटेरियंस के जनरल सेक्रेटरी फरहतुल्ला बाबर ने शोकॉज नोटिस जारी किया। जराए कयादत फैसले के खिलाफ जाने वाले एमपीए नबील रईस और गजनफर से जवाब तलब कर लिया। स्पीकर के बाद डेप्टी स्पीकर भी हमारा, नून लीग से पंजाब छिन गया। हुकूमत से बाहर रहने वाले अपोजिशन नहीं कर सकते, नून लीग का वोट बैंक सब ने देख लिया। वजीर आला पंजाब के नाम का ऐलान इमरान खान खुद करेंगे। रहनुमा पीटीआई अब्दुल अलीम खान की मीडिया से गुफ्तगु। चौधरी परवेज इलाही की हलफबरदारी और खिताब के दौरान शदीद हंगामा आरई। पंजाब असेंबली का ऐवान मछली मंडी बना रहा। लीगी अराकीन नवाज शरीफ की तस्वीर उठाकर गो स्पीकर गो के नारे लगाते रहे। ऐवान के बाहर परवेज इलाही के हक में नारे, मिठाइयां तकसीम। जमहूरी तरीके से स्पीकर और डेप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ। हमने नून लीग की ख्वाहिशात पर पानी फेर दिया। नून लीग वाले अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। अवाम के मफाद के लिए अच्छे फैसले करेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। नए पाकिस्तान में हॉर्स ट्रेडिंग की सदाएं। पीटीआई ने हमारे छाबे में हाथ मारा। विफाक की तरह पंजाब में भी हॉर्स ट्रेडिंग की गई। जहाज और एटीएम मशीनों के जरिए अरकान को खरीदा गया। तहरीक इंसाफ ने नए पाकिस्तान की टेढ़ी बुनियाद रखी है। ख्वाजा साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगु। हजारों को तबाह बर्बाद कर दिया गया। शहबाज शरीफ घंटा घर बने रहे, उनके साहबजादे उन्हें आज ये पंजाब असेंबली में ले आए हैं अपोजिशन लीडर के तौर पे। ख्वाजा साद रफीक एक सीनियर सियासी कारकुन था और लीडर ऑफ द अपोजिशन उनका हक था। पीटीआई पंजाब में अपोजिशन का मुकाबला अवामी खिदमत से करेगी। हम मेंबरान पंजाब असेंबली को फंड्स नहीं देंगे, लोकल गवर्नमेंट के जरिए तरक्याती काम करवाएंगे। नून लीग ने पंजाब असेंबली में अपोजिशन बेंचों का इंतखाब करके शिकस्त तस्लीम कर ली। मियां महमूद उर रशीद का ख्वाजा साद रफीक के बयान पर रद्द अमल। आमदन से जायद असासा जात का मामला। साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन की नैब में पेशी। नैब हुकाम की डेढ़ घंटे तक पूछ गिछ। चौधरी परवेज इलाही इजलास में शिरकत के बायस नैब में पेश ना हुए।
है।